गाइस अभी अभी बैच यहाँ पे खत्म हो चुकी है और हम निकल रहे हैं। तो बड़े बच्चों देखो, बड़े बच्चे कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। चलो पर अपना टाइम तो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी करने कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स एंड कॉल्स, सो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट। अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। सुबह जो जिस स्कूल में आया था तो उनको थोड़ा सा डेमो देना है किस तरह से डांस क्लासेस होते हैं और क्या। इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लरी में आ रहा है जो बोके इफेक्ट दिया है मैंने जानबूझ के, पीछे मिस और ये सब खड़े, तो फॉर दैट पर्पस। बट आपने जैसे देखा कि ये छोटा सा बेसिक एक स्कूल है, मराठी माध्यमिक स्कूल है, सो यहाँ पे इस तरह से एक्टिविटीज़ होना अपने आप में एक अलग बात है। और उसमें मेरे जैसे कोरियोग्राफर का मतलब जो फोक में कम और वेस्टर्न में ज़्यादा सिखाता हूँ मैं, तो तभी भी उन्होंने मुझे बुलाया, तो या सल्यूट टू देम, सल्यूट न्यू सोच। गाइज अभी यहाँ पे इस तरह से कुछ है, जो बच्चे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इनका डेमो है अभी, उसके बाद देखते क्या होता है कैसे होता है। सो हैव द लुक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे लाइफ में कि मैंने ऐसे ओपन प्लेस में कहाँ पे डांस और ये सिखा रहा हूँ, वरना तो सब क्लास में ही है, कहाँ पे हमने बाहर नहीं सिखाया ना अभी तक। वो तो रस्ते के ऊपर था इसको, भक्ति वेदन का दोस्त, 4 साल पहले कुछ याद नहीं, मैंने वो रोड के ऊपर डांस स्टार्ट किया था। चलो इनको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से खड़े हैं बच्चे, और धूप आ रही है बच्चों को, सॉरी यार, खड़े हैं सब। आगे छाव आ गई, थोड़ा थोड़ा छाव, धूप चालू है। टेक वन हैंड डिस्टेंस, एक हाथा सा अंतर गया, चला सगे जन मागा सरा उभा रहा टेबल पर। ये देखिए मैंने स्टूल मंगाया, कुर्सी मंगाई, तो उन्होंने ये लेके आए। मी म्हणलं टेबल किंवा स्टूल दे देणे आवडतो का सांगा मला, करायचं सगळ्यांना डान्स, डान्स करणं हात वर करा बर, डान्स करणारे चला बर, मी शिकू डान्स सगळ्यांना, आवडेल सगळ्यांना पक्का, प्रॉमिस, ओके। तर आज आपण एक छोटासा डान्स बघणार आहोत, मी तुम्हाला हात घ्या खाली, थँक यू, मी तुम्हाला एक छोटासा डान्स शिकवतो, ते तुमच्या मोबाईलमध्ये मी शूट करून तुमच्या घरी पण पाठवलं देणार आहे, तर तुम्हाला घरी जाऊन एवढं सांगायचं की आम्हाला डान्स क्लास जॉईन करायचा, मी इथे येऊन शिकवणार, चालेल का? पक्का? ओके, ठीक आहे, हाताचे कमरेवर ठेवा आणि ना गुडघे बेंड करायचे 2 times, 1 2, ओके, तुम्ही रिपीट नका करू, फक्त तुम्ही करा, तुम्ही काय म्हणाला नाही तरी चालेल, फक्त 2 times मी सांगाल तेवढं रिपीट करा, ओके, म्हणजे तुम्ही काय प्रॅक्टिकली करा, ओके, स्टार्ट, 1 2। आपको अगर पता चल गया तो ठीक है, मैं ब्रिज के बीच में खड़ा हूँ अभी, और इस तरफ देखिए पानी नहीं है, और इस तरफ देखो फुल पानी भर चुका है, पता नहीं क्या चल रहा है, और सामने ना स्कूल है चालू, और अगर मिरर में आप देखोगे तो पीछे देखिए कोई नहीं आ रहा है, ये सामने और ये पीछे, आपको दोनों तरफ दिखा रहा हूँ मैं, तो इस तरह से कुछ है क्या, पूरे मतलब ब्रिज पर कोई नहीं है, और गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है 15 अगस्त की, और इसी जगह पे
6 अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस अपना ये होने वाला है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे लेता हूँ मिरर, ये देखिए, ये पूरा मार्चिंग और ये सब मेरे पुराने स्कूल के याद आ रहे दिन, इस तरह से चालू है सब। और इसी जगह पे ऑलमोस्ट सिक्स अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग स्कूल से जो आके सेलिब्रेशन करने हो रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस डे को। तो आपके भाई को भी बुलाया गया है, बट देखो एक ज़माना था कि कोई नहीं पूछता था, आज मेरे डांस की वजह से मुझे 2-3 स्कूल्स से ऑफर आ रही कि सर आप वहाँ पे आ जाओ एज अ गेस्ट। तो बढ़िया है यार, जो ये बात कहती है ना ये हमेशा सच होगी कि यार डांस को नहीं छोड़ना, डांस की वजह से हमें, और ये मानता हूँ मैं यार, एज इतने बड़े मतलब इंडिपेंडेंस डे को यार गेस्ट के जैसे बुला रहे और वो भी एक के बजे 2-3 स्कूल से, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और देखिए भगवान भी खुश है, बारिश आ चुकी है, एक साथ है, क्या बात है, ये देखिए। और ये अपनी स्कूल जा रही है, बाय बाय जेम्स, क्या नाम भी है ना जेम्स करके, गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या जोरदार बारिश है भाई, एक नंबर। बहुत सुंदर चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत कभी कभी दिखने को मिलता और बहुत बड़ा रेनबो आ गया है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ जस्ट अ मिनट। कितना बड़ा रेनबो दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक एक देख सकते हो आप, ये देखिए, वाव। विदाउट स्टैंड पहली बार मैं व्लॉग कर रहा हूँ भाई दिए गाइस, इसके साथ ही मैं ट्राईपोड के साथ व्लॉगिंग करता था हमेशा, आज सोच रहा हूँ कि इसके साथ कर पाता हूँ क्या, देखूँ। अपना सोनी का सेटअप यूज़ कर रहा हूँ आज। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट पे आ चुका हूँ एंड आने के बाद बहुत भसड़ मच चुकी है यहाँ पे, तो वो सब मैं बाद में कभी बताता हूँ। पहले तो मैं मोबाइल दिखाता हूँ, यहाँ पे सब है ना चार्जिंग के लिए लगा चुका हूँ गैजेट्स, चार्जिंग के लिए लगा दिए गैजेट्स अपने मोबाइल और ये सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी डाउन हो गई थी, सुबह से ब्लॉक कर रहा था उसमें। हेलो गाइज, दिस इज़ सेकेंड मॉर्निंग। एक्चुअली कल रात को मैंने ब्लॉक एंड नहीं किया क्योंकि घर पर सेलिब्रेशन था अपने रक्षाबंधन का, तो उसके थोड़े क्लिप्स में इस वाले वीडियो में डाल के आपको टाटा बाय बाय बोलने वाला हूँ। फोटोज़ ही है एक्चुअली, वीडियो निकाला ही नहीं मैंने। ये व्लॉग एंड करके मैं आज के दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग करने वाला हूँ। सो एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, वही वाला फंडा है कि ये व्लॉग एंड करके अपने व्लॉग की बिगिनिंग होगी। सो मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बी हैप्पी, स्टे सेफ, की स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विथ वॉचिंग पीसी व्लॉग्स। बाय बाय, सी यू सून।
you take it into her side?